नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हम कीर्ति और रविंद्र राठौड़ का प्यार भरा नमस्कार। हम पति पत्नी कंट्री मेंटर सुमित और तान्या बहादुर जी का तहदिल से धन्यवाद करते हैं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी से बात करने का यह सुनहरा अवसर उन्होंने हमें प्रदान किया है। तो दोस्तों, आज हम हमारे इस बिज़नेस के सफ़र के बारे में बताएंगे, हमारे बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे और हम इस बिज़नेस में कैसे आगे बढ़े इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं मेरी बातों को शुरू करूं, उससे पहले मैं यहां पे इनवाइट करना चाहूंगा जो मेरे बिज़नेस की बैकबोन है, जिसके सहयोग से मैं आज यहां तक पहुंच पाया हूं, मेरी वाइफ कीर्ति राठौड़। तो मैं चाहूंगा कि कीर्ति आपसे पहले बात करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कीर्ति राठौड़ और मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में है। हम चार बहनें और हमारा एक भाई है। मेरी स्कूलिंग शिक्षा गुजरात के सिलवासा में गुजराती मीडियम में हुई। मैंने 12वीं तक का एजुकेशन किया है। पिताजी एक बिजनेसमैन और मम्मी एक हाउसवाइफ है। पिताजी बिजनेसमैन होने के कारण कभी पैसों की कमी या गरीबी नहीं देखी। बचपन मेरा बहुत ही अच्छे से बीता, पर सही में गरीबी और कॉम्प्रोमाइज क्या होता है यह मैंने शादी के बाद देखा। रविंद्र जी के साथ मेरी 2009 में शादी हुई और जब मैंने इनका घर देखा तो समझ में आया मेरी शादी गरीब परिवार में हुई। पर रविंद्र जी होनहार थे तो पिताजी ने भविष्य देखकर रविंद्र जी से ही मेरी शादी करवाई। शादी के बाद जब हम मुंबई के कल्याण में आए तो इनकी इनकम सिर्फ 7,000 थी। एक 10x10 का कमरा था, बहुत ही अटपटा सा लग रहा था, पर मैं सच्चाई को स्वीकार कर चुकी थी। अब यही मेरा जीवन है, यह मैंने मान लिया था। 2015 में जब हमारा बिजनेस आया था तो कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन जब हमें मीटिंग्स सेमिनार फंक्शन हमने ऐसे अटेंड किया तो समझ में आया कि बिजनेस हमारे जो ड्रीम्स होते हैं यह हमें पूरे हो सकते हैं। तो इस बिजनेस में बहुत ही हम लोग एंजॉय करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। अब रविंद्र राठौड़ जी बात करेंगे। तो ओके दोस्तों, कीर्ति ने अपने बारे में बताया कि एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती है और जब शादी हुई तो उसे महसूस हुआ कि मैं गरीब परिवार में आई हूँ। दरअसल मेरा एक मानना है कि प्रकृति कभी प्रतिभा पर अन्याय नहीं करती है। वैसे जब मैं स्कूली शिक्षा ले रहा था तो उस समय के दौर की बात करूँ तो वाकई में मेरी जो घर की स्थिति थी वो बहुत गरीबी वाली थी। मैंने बहुत गरीबी बचपन से देखी है। मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तब से मैं काम पर जा रहा हूँ। मैं मजदूरी का किया करता था और उस वक्त मजदूरी जो होती थी तकरीबन 8 रुपये एक दिन की होती थी। तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मैं घर में बड़ा था तो बड़ा होने के नाते जिम्मेदारी का बोझ उठाना भी मुझे अच्छा लगता था और मैं उठा भी रहा था। फिर मैं एक तरफ कॉलेज करता था, एक तरफ काम करता था। काम करने में हमने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने होटल में तक काम किया, कूली तक का काम किया, सारा काम करते करते शिक्षा ली। 2009 में जब मेरी कीर्ति से शादी हुई, उससे पहले का एक वाक्या है। जब मैं लड़की देखने गया था एक जगह तो वहाँ पर लड़की भी नहीं दिखाई गई थी, क्योंकि वो लोगों को पता चल गया था कि ये बहुत ही साधारण परिवार से है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं भगवान से प्रे कर रहा था कि भगवान इतनी शक्ति ज़रूर देना संसार में कि मैं आगे बढ़ सकूं। 2009 में जब कीर्ति से मेरी शादी हुई तो मैं 10x10 के कमरे में उसको लेके आया। उस वक्त घर में टीवी भी नहीं था, कुछ चीज़ें भी नहीं थी। एक सपना था कि जीवन में ज़रूर कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे, अपने आप को साबित करेंगे। कीर्ति के आने बाद मैं 2009 में गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा जॉब फिक्स हुआ और वहाँ से मेरी जो आमदनी थी वो 4,800 रुपया थी, जबकि 3 साल हमको कम पेमेंट पे ही काम करना होता है शिक्षा कर्मी के तौर पर। तो 3 साल बहुत बुरे रहे हमारे। हमने गांव में आदिवासी पाड़ा पे जाके गांव में जाके रहना पसंद किया क्योंकि कम पैसे थे। 4,800 में से भी एक हमने बाइक निकाल ली थी तो उसमें से 1,500 रुपया कमाया जाता था। तो 3,350 में हम पूरा महीना निकालने की पुरजोर कोशिश करते थे।
अब कीर्ति का जो भी गहना शादी में आया था वो तो हमने बैंक में रख दिया था, क्योंकि खर्चे के लिए पैसा चाहिए था, वो नहीं था। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि कीर्ति ने बेंटेक्स के मतलब मंगलसूत्र में बेंटेक्स का पहना। वो हर वक्त मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ी रही। कभी उसने ये नहीं कहा कि मुझे ये गहना चाहिए, वो गहना चाहिए। वो मेरे परिस्थिति के साथ में पूरी तरह से मैच हो चुकी थी और वो स्वीकार चुकी थी। जैसे तैसे 2012 में मेरी इनकम बढ़ी और वो इनकम तकरीबन मेरी 40,000 के आसपास चली गई। पर उस वक्त हमारे ऊपर काफ़ी बड़ा कर्जा था, हमारा खेत भी दूसरों के यहाँ गिरवी था। और फिर वो सारा कर्जा चुकाते चुकाते मैं खुद कर्जे में आ गया। और जब 2015 आया तो मैं पूरी तरह से 70,000 की EMI में डूब चुका था और उतनी ही मेरी इनकम थी, जितनी इनकम थी उतना ही EMI था। तो अब हालत ये थी कि हम घर परिवार कैसे चलाएं। तो ये हालत देखकर मेरे पिताजी मुंबई में आ गए। उठकर वाशी चले जाते थे और वाशी से कुछ फ्रूट्स लेकर आते थे और कल्याण में बेचते थे, और उससे जो पैसा आता था उससे हमारा गुजारा चलता था। बिजनेस 2015 में आया। बैकग्राउंड तो इतना बुरा था कि मैं कहीं पैसा खर्च नहीं कर सकता था, लेकिन ये बिजनेस जब जीवन में आया तो एक चीज़ समझ में आई कि ये बिजनेस हमारा पूरा सपना कर सकता है। 2015 की बात है, मैं मुंबई के लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहा था और मेरी जो स्पॉन्सर अपलाइन है वो मेरे पास में बैठकर सफ़र कर रही थी। हम एक दूसरे के लिए अनजान थे, लेकिन मुस्कराते हुए एक दूसरे से दोस्ती बनी और उन्होंने बिजनेस का प्रस्ताव मेरे सामने रखा। मैं तो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मुझे ओपन मीटिंग बुलाया गया, थाना में ओपन मीटिंग थी, और वहाँ पर डायमंड गोइंग कैंप महेश कुमार दुबे जी का बिजनेस प्रेजेंटेशन था। मैंने देखा, मैं कुछ रिलेट नहीं कर पाया, मैं पीछे बैठा था। बिजनेस प्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ तो मुझे उनसे मिलवाने के लिए लेके गए, तो मैंने हाँ हाँ करते वहाँ से निकल गया। बाद में मैंने फिर सोचा भी नहीं, दिमाग में लेके आया भी नहीं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा परमपिता परमात्मा से कहा करता था कि जीवन में मुझे एक बड़ा मौका चाहिए कि मैं अपने आप को साबित कर सकूँ। और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये वही मौका है जो मुझे बहुत बड़ी सफलता देने वाला है। कॉलेज के दिनों में मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता था कि तराशने वाले ने इस कदर तराशा है कि जहाँ भी जाओ चमकते रहो, पर बदकिस्मती हमारी कि हमें जौहरी कम मिले। मुझे नहीं पता था कि मैं किस जौहरी की तलाश में था और मैं ऐसी बातें क्यों करता था। लेकिन एक दिन वो जो मैं कहा करता था वो बात सच साबित हुई, और बुधवार के दिन मुझे फ़ोन आया, रविंद्र जी आप कहाँ पर हो? मैंने कहा बिजनेस वालों का आज किस्सा ही ख़त्म कर देते, मैंने कहा घर पे हूँ, आ जाइए। और उस वक्त आना हुआ कोई और नहीं, वही जौहरी जिनकी तलाश में मैं था। और उस दिन हमारे गुरु जी महेश दुबे जी का हमारे घर आगमन हुआ, और उस मीटिंग के बाद मुझे विजन मिला, सही मार्गदर्शन मिला, और उस दिन मैंने कसम खाई कि आज के बाद इस बिजनेस को बनाना मतलब बनाना है। तो जब हम कसम खा लेते हैं ना, जब संकल्प कर लेते हैं, तो वहीं से हमारे संघर्ष का आरंभ हो जाता है। बिजनेस मेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। 2016 में मार्च महीने में मैं 15% कर चुका था, और 2017 में मैं इस बिजनेस में सिल्वर बन चुका था। लेकिन यहाँ तक मेरे पास सिर्फ दो ही लेग थी, और दो लेग के बलबूते पर मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ रहा था। अब दो लेग से आप जर्नी को समझ सकते हो कि इनकम कितनी आ सकती है। वो संघर्ष भरा दौर था मेरे लिए। और एक दिन जब मैं मेरे भाई की शादी का कार्ड बांटने के लिए नासिक गया, तो शादी का कार्ड बांटने के दौरान हमें एक कपल मिले जो इस बिजनेस में काम करने के लिए तैयार थे। उस कपल ने मुझे सामने से पूछा कि आप जो फेसबुक पर फोटो वोटो डालते रहते हो क्या करते हो? मैंने कहा मैं बहुत बड़ा बिजनेस करता हूँ। और उन्होंने सामने से पूछा कि हम नहीं कर सकते क्या? मैंने कहा आप तो कर ही सकते हो। तो मैं जब शादी का कार्ड बांटने गया था, कि खुशी की बात यह है कि जब कार्ड में बांट रहा था तो मेरे पास में डेमो किट था, और वही मैंने डेमो किट निकाल कर उनको डेमो और बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन दिया, और वो कपल इस बिजनेस में फाउंडर प्लैटिनम बन गए, मिस्टर कविता एंड सुनील पवार। उनके लिए काम करने के लिए मुझे नासिक जाना पड़ता था। नासिक और कल्याण का डिस्टेंस तकरीबन 150 किलोमीटर का है, और कल्याण से 50 किलोमीटर आगे नासिक के बीच में शाहपुर करके वहां पर मेरा कॉलेज। तो कॉलेज से मुझे नासिक जाना पड़ता था बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, और सही मायने में सही संघर्ष मुझे इसी वक्त करना पड़ा। 5 बजे 5:30 बजे मैं कॉलेज से बाहर निकलता था, नासिक पहुंचता था 7:30 8 बजे,
रात 11-12 बजे तक मैं वहाँ पे काम करता था और वहाँ से फिर कल्याण लौटता था मैं रात के 3 बजे, रात के 4 बजे। न जाने कितने रात में खाना नहीं खाया हूँ। एक संकल्प लेकर, जिद्दी होकर, सिर्फ जीतना है, आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है, इसी जुनून में मैं आगे बढ़ता रहा। मैं कोशिश बहुत कर रहा था पर वो सफलता मुझे नासिक में नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए थी। मैं परेशान भी हो जाता था। उस समय नासिक में गुरुवार को ओपन मीटिंग हुआ करती थी। मैं भागा दौड़ा सा ओपन मीटिंग को जाता था। कभी कभी तो मैं पहुंचता था और मीटिंग खत्म हो जाती थी, लेकिन मैं पहुंचता था। लेकिन मेरे कुछ नंबर्स ओपन मीटिंग में नहीं होते थे। एक मैडम आती थी, कविता जी, बस। और विडंबना ये थी कि मैंने जिनको साइन अप किया था वो रहने को तो नासिक में थे, लेकिन पूरा वीक वो लोग बाहर होते थे, तो इसके लिए मुझे वहाँ ओपन में कोई मिलता नहीं था। तो धीरे धीरे मेरा हौसला दम तोड़ने लगा और मैंने नासिक जाना बंद कर दिया। भगवान की लीला भी देखो। और जब मैंने नासिक जाना बंद कर दिया तब अचानक उसी दिन मुझे गुरुजी का फोन आया, रविंद्र जी कहाँ पर हो? मैंने कहा, सर मैं तो घर पे हूँ। क्यों, आप नासिक ओपन मीटिंग नहीं गए? मैंने कहा, नहीं। मेरे प्यारे, ऐसी गलती कभी मत करना। मुझे अंदर से आवाज आ रही है, भगवान राम की तपोभूमि है नासिक, वहां तप करना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां पर सफलता मिलेगी। कसम खाओ कि आज के बाद आप नासिक की कोई मीटिंग मिस नहीं करोगे। और क्या था, हमने कसम ले ली और नासिक में जाना शुरू हुआ। हम संघर्ष करते रहे, नासिक जाते रहे और एक दिन वहां पर एमवे के ऑफिस में एक लेडी का आना हुआ और वो प्रोडक्ट देख रही थी और काउंटर पर बैठे इंसान ने हमारी तरफ इशारा कर दिया कि वो जो सर वहां बैठे वो आपको हेल्प करेंगे। वो मैडम हमारे पास आई और उन्होंने कहा, सर मैं कुछ प्रोडक्ट चाहती हूँ। हमने कहा, प्रोडक्ट तो आपको मिल जाएंगे पर इसके पीछे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, तो आप बिजनेस करना चाहोगे? उन्होंने कहा, बिल्कुल करना चाहेंगे, क्या लगता है? हमने कहा, आधार कार्ड, पैन कार्ड। उन्होंने तुरंत निकाल के दे दिया। मैं थोड़ा सोच रहा था कि हम तो एक एक व्यक्ति को साइनअप करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन मैडम सामने से मुझे आधार कार्ड पैन कार्ड दे रही है, तो मैं खुश हुआ। और वो कोई और नहीं, डॉक्टर स्मिता और डॉक्टर हीरालाल पवार। ये कपल का इस बिजनेस में आना हुआ और वो कपल भी फाउंडर प्लैटिनम है इस बिजनेस में। तो तब मैं जो संघर्ष कर रहा था, पैसे की कमी से जूझ रहा था, आज भी याद है मुझे कि जब मैं नासिक पहुंचता था तो द्वारका पे उतरता था और डॉक्टर स्मिता जी का जो क्लिनिक है वो गंगापुर रोड पे था। तो बहुत बार उनके यहाँ पहुँचने के लिए मुझे 3 ऑटो बदलने पड़ते थे, 30 रुपये लगते थे और हालत इतनी ख़राब थी कि मैं 30 रुपये खर्च नहीं कर पाता था। तो कभी कभी मैं 20 रुपये का पैदल चल लेता था, लेकिन बिजनेस करने का जुनून सवार था। और ये कपल भी बड़े महान हैं कि उन्होंने मेरी हालत को, मेरी स्थिति को नहीं देखा, उन्होंने बातों पर विश्वास किया। और एमवे ने तो अपनी पहली क्रेडिबिलिटी बना के रखी है, तो प्रोडक्ट के बारे में जानते थे और उन्होंने माना कि अगर इस बिजनेस में इतनी संभावनाएं हैं तो हम जरूर इसके ऊपर काम करेंगे। और शायद भगवान ने मेरी परीक्षा ली और उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, इन कपल के रूप में मुझे मिला। और वहां से मेरी स्थिति में सुधार हुआ और लगातार मैं काम पे काम करता रहा। पूरा दिन कॉलेज करना, कॉलेज से फिर नासिक जाना, नासिक में मेहनत करना। तो मैंने बहुत सारी ऑडियो वीडियो टेप में सुना था कि बहुत सारे लीडर्स नाइट आउल मीटिंग किया करते हैं। तो मैं नासिक में जब सैटरडे संडे जाता था और वहाँ जाकर मैं काम करता था तो सभी के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा था, क्यों ना हम यहाँ पे नाइट आउल मीटिंग की शुरुआत करें। तो सैटरडे दोपहर को मैं नासिक पहुँचता था, रात 11 बजे तक मैं लोगों को प्लान दिखाता था। सभी लीडर्स को रात 11 बजे किसी एक लीडर के घर बुलाकर पूरी रात उनके साथ टीचिंग किया करता था। संडे पूरा दिन काम करता था और संडे की रात को वापस से नाइट आउट करता था दूसरी टीम के साथ। तो दोनों रात में मेरे लीडर्स तो चेंज हो जाते थे, लेकिन मैं दोनों रात में अकेला, दोनों रात में मैं मौजूद रहता था, तो 2 रात की नींद नहीं। और सोमवार को जब मैं सुबह कॉलेज आता था तो मेरी आंखों में बहुत नींद होती थी। मैं वहीं से कीर्ति को फ़ोन कर देता था और कीर्ति घर से टिफ़िन और मेरे कपड़े लेकर कॉलेज पहुँचती थी और फिर मैं वहाँ कॉलेज में किसी एक कमरे में जाकर कपड़े बदलता था और टिफ़िन लेता था। बड़ा संघर्ष रहा। कभी हमने ये सोचा नहीं कि मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ, ये क्या हो रहा है, लेकिन पैसे की कमी ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन टीम में किसी को पता नहीं चला कि मैं पैसे की कमी से जूझ रहा हूँ।
किसी को पता ही नहीं चला कि मेरे पास पैसों की कमी है। दिल में लगता था कि बहुत बार इससे हेल्प ले लूँ क्या, उससे हेल्प ले लूँ क्या, लेकिन कार्डिनल रूल्स मुझे फॉलो करने थे। पूरे टीम में कभी मैंने कभी पैसे का व्यवहार नहीं रखा और उसका परिणाम ये हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला कि मैं पैसे की कमी से गुजर रहा। तो जब मैं पैसे की कमी से गुजरता था, बिजनेस बनाने के लिए पैसे लगते थे, प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए पैसे लगते थे, घूमने के लिए पैसे लगते थे, तो मैं कभी कभी मेरे बैंकों के EMI जो होते थे वो नहीं चुकाता था और उस पैसे से मैं बिजनेस में कहीं ना कहीं लगा देता था। तो ये दौर जब चल रहा था मेरा, तो बैंक का EMI अगर आप एक मिस कर दो तो दूसरे महीने में आपको दो देने पड़ते थे। अगर मैं एक नहीं दे पा रहा हूँ तो दो कहाँ से दे पाऊँगा। तो बैंक वाले कॉलेज में आ जाते थे ढूंढने के लिए कि राठौर सर कहाँ पे है। प्रिंसिपल भी आश्चर्य में पड़ते थे कि अच्छा इंसान है, कोई बुरी लत भी नहीं है, लेकिन ये पैसों का करते क्या है। अब मैं उन्हें क्या स्टोरी बता था कि मैं किस बैकग्राउंड से आया था। तो जब भी वो EMI वाले आते थे कॉलेज में तो मैं मुस्कुराकर कहता था सर अगला महीना मैं पक्का दे दूंगा। अभी भी मेरे पास सारे वो नोटिस पड़े हैं बैंकों के जो वसूली के लिए आते थे। एक वक्त ऐसा आया कि घर में माँ पिताजी रहते थे तो घर में TV नहीं था, तो हमने एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से EMI के ऊपर TV लेके आए। तो 2-3 EMI में उसका दे नहीं सका तो इलेक्ट्रॉनिक वाला घर आया और बोलने लगा कि अगर आप पैसा नहीं दे सकते हो तो TV लेके क्यों आते हो। पूरी सोसाइटी में चिल्ला रहा था और वो TV उठा के लेके गया। मैं घर पर नहीं था, मेरे पिताजी को बड़ा दर्द हुआ, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैं भी गरीब रहा लेकिन ऐसी हालत मेरे ऊपर नहीं आई। तो मैंने कहा पिताजी गरीबी जब मरने के ऊपर आती है ना, जैसे दिया जब बुझने को आता है ना तब ज़्यादा फड़फड़ाता है, अब गरीबी मरने को आई है, अब वो ऐसे ही फड़फड़ा रही है, आज के बाद हमारे पूरे दिन बदल जाएंगे। पिताजी को हौसला दिया जैसे तैसे। पिताजी को पहले से डाउट था ये बंदा इतना भाग रहा है, ये लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ होगा कि नहीं होगा। एक बार ओपन मीटिंग में हमारे गुरुजी महेश दुबे जी को पकड़ लिए और बोले ये लड़का इतना भागता है, जीवन में कुछ होगा कि नहीं होगा। गुरुजी ने आंखों में आंखें डालकर कहा कि पिताजी आपका बेटा महज 2 साल, आपका बेटा 2 साल बाद आपको इसी ओपन मीटिंग में अपनी खुद की कार से लेके आएगा। और यकीन मानिए गुरु की वाणी बिल्कुल सच साबित हुई। बिल्कुल 2 साल बाद मैं बिजनेस में प्लैटिनम बना और प्लैटिनम बनने से पहले मैंने लाल रंग की 10 लाख की बलेनो कार खरीद ली और उसी कार में पिताजी को मैं ओपन मीटिंग लेके गया था। और गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पिताजी से कहा क्या हुआ, मैंने सही कहा था ना। तो गुरु वाक्य प्रमाणम। और गुरुजी का साथ समय समय पर था, समय समय पर विश्वास दे रहे थे और एमवे का भविष्य मैं जान चुका था। ये कोई साधारण बिजनेस नहीं है और इस बिजनेस की खासियत ये है ये सिर्फ सच बोलने पर चलता है। सही बोलने पर, सच बोलने पर और कड़ी मेहनत करने पर ही ये बिजनेस चलता है। लेकिन दोस्तों जब से हमने इस बिजनेस में सफलता की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए, सारी तपस्याएं की, उसके बाद इस बिजनेस ने जो हम पर मेहरबानी की वो लगातार चलती रही। मैं मार्च 2017 में इस बिजनेस में सिल्वर गया था। मार्च 2018 तक 1 साल हो चुका है और अगस्त 2018 तकरीबन 17-18 महीने वो मेरे जीवन के सबसे बुरे काल का दौर था। मैं 10,000 PV मेंटेन नहीं कर सकता था। मैं दिन रात भागता था, कड़ी मेहनत करता था, मैं दरवाजा लगाकर बहुत बार रोता था कि मेरे 10,000 PV क्यों नहीं हो रहे हैं। कड़ी मेहनत के बावजूद भी मैं 10,000 PV को टच नहीं कर पा रहा था। और सितंबर 2018 से मैंने जब 10,000 PV करना शुरू किए दोस्त, तो उसके बाद कभी 10,000 के नीचे मेरा बिजनेस नहीं आया। कभी 1 PV तक खरीदनी नहीं पड़ी कभी कोई गोल पूरा करने के लिए। आने वाला पूरा पैसा मैं एंजॉय करता रहा, पूरी तरह से मैं कर्ज मुक्त हुआ, बच्चों की शिक्षा पे मैं पैसा खर्च कर पा रहा हूँ, आज हम पूरा परिवार एक साथ में रह रहे हैं, पूरी जिंदगी आज हम खुशी से जी रहे हैं। आज घर नहीं मानो कोई होटल है, गांव में बहुत बड़ा बंगला हमारा, उसका काम चल रहा है। तो पूरी तरह से जिंदगी खुशियों से सराबोर है। लेकिन एक वक्त मुझे याद आता है, मैं जब 2018 में सितंबर के महीने में बिजनेस में 10,000 PV स्टार्ट करने जा रहा था, उससे 2 महीने पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की, मुझे गुरुजी ने कहा रविंद्र जी सितंबर से आपका बिजनेस बिल्कुल तेज रफ्तार जाने वाला है और आप क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आप छत्तीसगढ़ जाकर आना,
और वहां की टीम को पूरी तरह से तैयार करके आना। मैंने कहा जी गुरुजी मैं जाके आऊंगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरे पास छत्तीसगढ़ जाने के लिए कोई पैसा नहीं था। गुरुजी ने कहा मेरे प्यारे संघर्ष आते जाते रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ जाना ही पड़ेगा, तब जाकर आप सितंबर से 10,000 पीवी करना शुरू करोगे। मैं और मेरी वाइफ दोनों हम बैठ गए, दोनों आपस में बात करने लगे। कीर्ति ने कहा अगर गुरुजी ने कहा है तो जाना पड़ेगा। मैंने कहा हमने बिटिया के एडमिशन के लिए 20,000 रुपया घर में रखा है, अगर वो 20,000 रुपया हम लोग खर्च कर देंगे तो क्या होगा। तो मैंने वहां उसमें से कुछ पैसे लिए और मैं छत्तीसगढ़ चला गया, और छत्तीसगढ़ जाकर कुछ 4-5 हजार हमारे खर्च हुए होंगे। फिर मैं जब वापस आया तो उतने पैसे कम थे, तो पैसे कम थे तो मैं बेटी का एडमिशन नहीं कर पा रहा था। यकीन मानिए 3 महीना मेरी बेटी का एडमिशन मैं नहीं कर पाया, और 3 महीना हमारे अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे स्कूल जाते थे। कीर्ति खिड़की से देखती थी, बोलती थी कुछ करो ना, बेटी का एडमिशन हो जाएगा तो वो भी स्कूल जाएगी। हमने दोस्तों इस बिजनेस को बनाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए। बच्ची का एडमिशन 3 महीना लेट किया, बुरा तो लगा, लेकिन आज के दौर में मेरी बेटी क्लास नहीं जाती है, बल्कि उनको पढ़ाने के लिए टीचर खुद घर पे आती है। तो मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक इसे भी कहते हैं कि आप गरीबी को अंदर घुस के मारो, और एमवे से बड़ा और खूबसूरत वेपन्स दुनिया में नहीं हो सकता है जो आप और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए वरदान साबित होता है। इस बिजनेस का बहुत ही बड़ा भविष्य है, और भविष्य इतना सुनहरा है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कोई भी गवर्नमेंट इतने सारे लोगों को कभी कोई रोजगार नहीं दे सकती है। तो आज अगर मैं भविष्य को देखता हूं तो बहुत बड़े रोजगार के लिए एमवे पूरी तरह से तैयार बैठा है, जो मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्यों ना भविष्य को देखते हुए अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए इस खूबसूरत बिजनेस को किया जाए। ये जो मेरा बुरा वक्त था ना बिजनेस में, संघर्ष जब चल रहा था, तो एक चीज उभर कर सामने आती है कि बुरे से बुरा वक्त एक मजबूत आदमी को पैदा करता है, और मजबूत आदमी आसान वक्त पैदा करता है। यदि वक्त आसान रहेगा तो वो कमजोर आदमी को पैदा करता है, और कमजोर आदमी बुरे से बुरा वक्त लेके आता है। इसीलिए जब भी आप संघर्ष से घिरे हो, आप संघर्ष से घिरे हो और आपके सामने चैलेंज चट्टान की तरह आके खड़ा हो चुका हो, तो समझ लीजिएगा आपका जीतना पूरी तरह से तय है, क्योंकि प्रकृति आपको वहां पर चेक कर रही है कि आप वाकई में सफल बनना चाहते हो या सफल बनने का नाटक कर रहे हो। क्या आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो? क्या आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? यदि हाँ हाँ हाँ, तो प्रकृति का नियम है, वो कुछ वक्त के लिए आपकी परीक्षा लेगी, लेकिन वही है जो आपका आगे का रास्ता खुद बनाएगी। मैं कहूं, मैंने सिर्फ पर्सनल ज्वाइनिंग मेरी 2 है। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास लेग तो बहुत सारी है, लेकिन पर्सनल ज्वाइनिंग मेरी सिर्फ 2 है। तो आगे की ज्वाइनिंग कैसी हुई? हाँ, ये आगे से सारी ज्वाइनिंग मुझे प्रकृति ने दी है, क्योंकि जब मैं भाई के शादी का कार्ड बांट रहा था तो सामने से कपल ने कहा कि हम बिजनेस करना चाहते हैं। उनको मदद करते करते वहीं नासिक में एमवे ऑफिस में डॉक्टर स्मिता मैम आ गई, जिन्होंने सामने से कहा कि मुझे बिजनेस करना है, और इसी तरह तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सभी लेग मुझे सामने से आकर मिलती रही। जो मुझे पहले मना कर चुके थे वो लोगों ने सामने से कहा कि हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। आज तकरीबन मेरे परिवार में 10 से अधिक ऐसे लोग हैं जो मुझे पहले मना कर चुके थे, लेकिन वो आज बड़ी रफ्तार से इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग मना करेंगे, सिर्फ आपको डटे रहना है। दुनिया शायद आपका साथ छोड़ दे, लेकिन आप अपने साथ मजबूती से खड़े रहो। कोई दुनिया आपके ऊपर विश्वास ना करे, लेकिन आपका खुद के ऊपर का विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। कोई आपसे बात करे या ना करे, लेकिन आप अपने आप से लगातार बात करते रहो। कोई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले या ना चले, लेकिन आप मजबूती से खुद के साथ चलना शुरू करिए, क्योंकि हम है तो जहां है। बहुत बार हम हरे गहरे लोगों के चक्कर में अपने सपनों के लिए मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, एक बार प्रकृति आपकी परीक्षा लेगी, अगर उसमें आप पास हो जाते हो तो पूरा यूनिवर्स आपको मदद करने के लिए तैयार है।
हमने फिल्मों में सुना है ना कि सच्चे दिल से यदि तुम कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो दोस्तों, अगर आप बड़ा चाहते हो तो आपको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप कुछ कुछ चाहते हो तो कुछ कुछ दांव पे लगा दो, यदि आप बहुत कुछ चाहते हो तो बहुत कुछ दांव पे लगा दो, यदि आप सब कुछ चाहते हो तो आपको सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। बहुत बार हम कीमत चुकाने से परहेज करते हैं, ये कुदरत का नियम है, जितनी कीमत चुकाओगे उतना ही मिलेगा। हमें और आपको तैयार रहना पड़ेगा एक खूबसूरत पल के लिए, एक खूबसूरत संघर्ष के लिए। ये बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों, ये बहुत बड़ी संरचना है। मैं तो कहता हूँ कि इस धरती पर साक्षात भगवान का, साक्षात ईश्वर का अवतार है एमवे बिजनेस। क्या रचना है इसकी, एक मेंटरशिप। मैं तो परम भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को, जो मुझे महेश कुमार और किरण दुबे जी के माध्यम से इस बिजनेस में एक गुरु मिले और उन गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता गया और आज आए दिन सफलता के शिखर पर चढ़ते जा रहा हूँ। तो आइए, एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बाहें फैला कर हमारा इंतज़ार कर रही है। बस